Morning to you all. Today's morning hukumnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Amar Das Ji in Rag Vadhans Ang 591 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Slok Mahalla Tija Satguru Ki Paritit Na Aaya Sabad Na Lago Pao. One who has no faith in the true Guru and who does not love the word of the Shabad. So, pratit here is faith. So, jiska us true Guru, us Shabad pe faith nahi hai, wahan pe kya hota hai? Usno sukh na upje paave, so geda aavo jao. Shall find no peace even though he may come and go hundreds of times. वहाँ पे 100 गेड़े भी लगा ले, मीन्स गुरुद्वारे आए जाए, पाठ करे, वहाँ पे क्या नहीं मिलता? पीस नहीं मिलता. वाई? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ फेथ. नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सियो लिव लाओ. ओ नानक द गुरमुख मीट्स द ट्रू लॉर्ड विद नेचुरल ईज, ही इज इन लव विद द लॉर्ड. सो ज़रूरत क्या है? फेथ की. बिकॉज वहाँ पे टू कनेक्ट विद हिज और हर्स हाइएस्ट सेल्फ, it becomes so easy that naturally there is a strong connection. Naturally, a person starts knowing himself or herself better and then connect with the Lord. So today's Hukamnama is a beautiful distinction of why it's important to develop faith and then lead a joyful life. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. हम ओवर द टाइम सेट ऑफ बिलीव्स डेवलप कर लेते हैं जिसको हम फेथ मानते हैं. अब हम सब एक अलग कल्चर में पैदा हुए हैं, अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने एक सेट ऑफ बिलीव्स बना लिए जिसको हम बोलते हैं कि ये फेथ है. सो वन सेट ऑफ बिलीव्स वन फेथ, अनदर सेट ऑफ बिलीव्स अनदर फेथ. बट सेट ऑफ बिलीव से क्या होता है? वी ड्रॉ कंक्लूजन. जहाँ पे माइंड का तो कुछ काम ही नहीं है, वहाँ तो हमने कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया. बट माइंड माइंड इज़ अ टूल फॉर एक्सप्लोरेशन. तो जब आप शब्द को पढ़ते हो, जब आप शब्द के अंदर डीप जाते हो, शब्द गिव्स यू वन ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू यूज़ योर माइंड एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू गो डीपर एंड देन कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ. सो वेन यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ बेटर. And when you know yourself better, you take better actions. तब आप आते हो उस पॉजिटिव एटीट्यूड को, आप डेवलप करते हो, रादर उस राइट एटीट्यूड को आप डेवलप करते हो, और फिर आप सही एक्शंस लेते हो अपने अलग अलग एरियाज में जहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू डेवलप फेथ, फेथ इन द शब्द. और यही फ़र्क है कि कंक्लूजन ड्रॉ करने में और माइंड को यूज़ करके आगे और ज़्यादा डीप जाके एक्सप्लोर करने में. बिकॉज तब आपका बीइंग पॉजिटिव हो जाता है और यू आर मोर जॉयफुल, मोर हैप्पी, एंड दिस इज़ व्हाट यू स्प्रेड अराउंड. जो आपके पास चीज़ है, आपके पास अगर जॉयफुलनेस है, हैप्पीनेस है, वही तो आप लोगों को स्प्रेड करोगे. तो आज एक असाइनमेंट करते हैं, देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपने कंक्लूजन्स की, मेरे से तो ये काम होगा नहीं, या बहुत सारे काम आपके लाइफ में अटके पड़े हैं कि अब यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन सीक द सपोर्ट ऑफ ब्यूटीफुल गुरबानी, ब्यूटीफुल शब्द, विच आई एज आई टोल्ड यू गिव्स यू वन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. वहाँ पे और डीपर जाइए, समझिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे किस तरह से ब्रेक थ्रू रिजल्ट अपना क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. आज अपनी लाइफ के उन एरियाज़ में देखिए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही, वेयर देयर इज़ अ नीड टू टेक द राइट एक्शन. बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसको कुर्बानी को इम्प्लीमेंट करोगे. सो आज इस असाइनमेंट को कीजिए, देखिए व्हाट डिड यू इंट्रोस्पेक्ट एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी. टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी. वाहे गुरु.